नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटी सी वीडियो सिंक का अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सिखाती है। वीडियो में किचन का प्लेटफॉर्म दिखाया जा रहा है। किचन में चारों साइड प्लेटफॉर्म है और टाइल्स वाले मित्र ने प्लेटफॉर्म रेडी करके सिंक लगा दिए हैं और अब वॉल टाइल्स लगाना है, इसलिए प्लम्बर का वर्क शुरू हो गया है। टाइल्स वाले दोस्त अपना वर्क टाइल्स लगाना और क्लीनिंग वर्क इनका चालू है, देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है। और इसी बीच हम प्लम्बर भी आ चुके हैं अपना वर्क पूरा करने के लिए। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा सिंक के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सिंक का पॉइंट हम प्लम्बर भाई प्लेटफॉर्म में सिंक लग जाने के बाद में लगाते हैं, क्योंकि उसके पहले हम लोगों को सिंक के बिपकॉक सेंटर का मेजरमेंट नहीं मिल पाता है। अगर पहले बिपकॉक पॉइंट लगा दिए तो पॉइंट सेंटर से इधर उधर हो जाता है और अंत में फिर दोबारा वही वर्क करना पड़ता है, इसलिए एक ही बार करते हैं। सिंक का वेस्ट कपलर पॉइंट का सेंटर देखकर वाटर पॉइंट या बिपकॉक का पॉइंट बनाते हैं और इस पॉइंट को प्लेटफॉर्म से कितने ऊपर कितने हाइट पे रखते हैं, तो ये वीडियो में हम बता रहा हूँ। देखिए मेजरमेंट करके, ये हमारे प्लम्बर जी हैं, मेजरमेंट करके बताए कि ये प्लेटफॉर्म से 8 इंच ऊपर, ये प्लेटफॉर्म से 8 इंच ऊपर पे सेट किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये बहुत लोगों का कमेंट भी था कि किचन में सिंक के पॉइंट कितने ऊपर हम रखें, तो इसको प्लेटफॉर्म से कम 8 इंच ऊपर रखे दोस्तों, 8 से 10 के बीच में, 8 परफेक्ट है। और ध्यान रखिए सेंटर, सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। जो सिंक का वेस्ट कपलर का सेंटर है उसके सेंटर में हम अपना पानी की लाइन का पॉइंट सेंटर में बनाते हैं और प्लेटफॉर्म से 8 इंच तक रखते हैं, 8 इंच पर रखते हैं उसको। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यही दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद हम पानी का पॉइंट बनाते हैं, उसके पहले बनाएंगे तो हमारा सेंटर आउट हो जाता है। दोस्तों वीडियो में अगर जानकारी मिली तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो लेके हम आएंगे, उसमें क्लियर दिखाएंगे प्लेटफॉर्म। देखिए हमारा ये नॉन ड्रॉप का पॉइंट भी बन चुका है। तो जहाँ पर किचन बना है यहाँ पे बहुत अंधेरा है, इसलिए वीडियो सही तरह से क्लियर नहीं आ पाई है। अगली वीडियो हम अच्छी किचन का ला के बताएँगे। माफ़ करना, जय हिंद।